आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ लड़के हैं जो अपने माँ बाप ने खेतों में नील गाय दौड़ाने के लिए भेज दिए, और खेत के आसपास बहुत सारी नील गाय हैं। आप देख सकते हो, जैसा कि मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, उसी समय कुछ ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड हो जाती हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर देखते हैं, ये लड़के अपने खेत में जाते हुए और खेत में से बहुत सारी नील गायें उनको दौड़ाने के लिए ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये लड़के तो मनोरंजन करते करते नील गाय को दौड़ाते हैं। इनको क्या पता कि नील गाय कितना खतरनाक जानवर होता है, क्योंकि किसान को तो पूरा पता होता है इस खतरनाक जानवर का। तो इनका आमना सामना होता है एक नील गाय, एक बड़े नील गाय, क्योंकि मादाओं का झुंड है, इसके ऊपर अधिकार जो झुंड का है। तो उसको मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ। अब एक लड़का है सामने, देख सबसे अच्छा तरीका है कि जोर जोर से आवाज़ निकालो, जोर जोर से, कितना भी बड़ा ताकतवर हो वो दौड़ के चला जाएगा। अब ये लड़के उस बड़े नील गाय को साइड में दौड़ा देते हैं, उसके बाद में ये जो नील गाय हैं खेत के साथ में बहुत सारी हैं, लगभग 50, अब उनके पास जाएंगे। ये भी एक दृश्य देखने का है, देख सकते हो। और दोस्तों, ये मैंने कोई वीडियो एडजस्ट नहीं किया, ना मैंने कुछ इसमें ये दिखाया कि ये बच्चे मेरे कोई जानकार हैं। जब मैं कैमरा ऑन करके इधर खेतों में था तो इन लड़कों को मैंने देखा, इनकी तरफ भी मैंने कैमरा लगा दिया। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये वीडियो कहाँ से बनाते हो आप। दोस्तों, मैं राजस्थान के दौसा ज़िले के महुआ तहसील से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पर आसपास खेतों में बहुत ज़्यादा नील गाय हैं, बहुत ज़्यादा। उसका कारण है कि आसपास अरावली पर्वत भी हैं, तो जैसे ही फसल बो देते हैं कनक के साथ, तो ये सारी की सारी पहाड़ों में चढ़ जाती हैं, या पहाड़ों के आसपास बहुत सारे जंगली ज़मीन पड़ी हुई है उनमें चले जाते हैं। तो जैसे ही फसल कट जाती है खुले खेतों में आ जाते हैं। आप देख सकते हो, आप जैसे ही सरसों और गेहूँ कटने की टाइम आ गया तो सारे निकल निकल गए। कुछ दिन पहले आ जाते हैं तो इनको थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सरसों कट जाती है तो खेत कुछ परसेंट खाली होते हैं, और कुछ में गेहूं खड़े होते हैं, और जब गेहूं खड़े होते हैं तो अब देखो, एक साथ इतनी दौड़ गई उन लोगों को देखकर, और किसी के गेहूं के खेत में चली गई। अब ये गेहूं खाने से, गेहूं को अगर ये खाते हों तो उससे इतना नुकसान नहीं होता जितना ये उस खेत में से, जब एक 50 नील गाय एक साथ दौड़ के निकल गई। बस सबसे ज़्यादा दुख किसान को यही होता है कि ये पैरों से ज़्यादा सत्यानाश करती हैं फसल का, ना कि ये खाती हो। तो दोस्तों, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना।